अरे दोपहर में ये पूरा खाली हो जाता है यार। भात घूम इसको भात घूम कहते हैं। मतलब मैं आया और आपने एक्चुअली देखा वो सीन, क्या बताऊं यार। अभी 10 बज चुका है, 10:30 बज चुका है। ब्रेकफास्ट नहीं किया है अभी, यू नो आदत बन जा रहा है यहाँ के रूटीन का कि हर रोज़ सुबह उठो, बाहर जाओ, दो रोटी एक अंडा ब्रेकफास्ट, कम बैक एंड देन मैं एडिटिंग करता हूँ या फिर गाने सुनता हूँ, वी हैव चैट, मतलब राजा के साथ बातें बातें होती है एंड दोपहर आता है। तो इस यू नो रूटीन अभी बन चुका है तो इट्स क्वाइट गुड। तो जा रहे हैं, तो मैं आने से पहले ब्रेकफास्ट क्या करने जाता था तुम या फिर ज़्यादा थी एकदम बिल्कुल ज़्यादा था। हाँ मेरे को लगा कि ब्रेकफास्ट करता है नहीं, तो मेरे को लगा कि आज इसको बुलाऊंगा नहीं तो उठेगा नहीं। नहीं उठ गया ये 10 बजे। कभी कभी ऐसा हुआ है ब्रेकफास्ट नहीं किया है। धोबी, हाँ धोबी, अच्छा इधर होता है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस, सब कुछ है यहाँ पीछे वाले गली में, सब मिलता है पीछे वाले गली। क्या है आज? कल रात को भी तो यही खाता, रात को भी यही खाता, तो यही ले लेते हैं। वैसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इट्स लाइक अ थिंग जो मैं पहले से सोच रहा था, मम्मी भी थोड़ी परेशान थी या सोच रही थी कि अब वहाँ पे जाके खाना थोड़ा डिफरेंट होगा, अच्छा नहीं होगा तो पेट खराब होगा, नथिंग लाइक दैट। कल रात को मैं 4 पराठा खाया, कुछ नहीं हुआ। जनरली मैं खाता नहीं हूँ 4 पराठा, तो कुछ नहीं हुआ। आज सुबह जब हुआ होमवर्क एकदम बढ़िया, तो ये मतलब खाना अच्छा बनाते हैं यहाँ पे, ये अच्छा लगा मेरे को। जो भी बनाते हैं अच्छा बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं और ज़्यादा ऑयल भी नहीं रहता। हाँ एकदम घर जैसा होता है। और यहाँ पे भी सेम, ये वाला रेस्टोरेंट काफ़ी बढ़िया है। न्यू टाउन एरिया में किफ़ायती में मिलना मेरे को लगता नहीं था कि मिलेगा यहाँ पे, बट मिलता है। एक्चुअली लोग गलत समझते हैं कि तुम उधर चले जाओगे ना, साउथ की तरफ, तो एक्सपेंसिव रहता है इसका साउथ यहाँ पे। हाँ क्योंकि यहाँ पे साउथ, एग्जैक्टली साउथ कोलकाता इज रियली एक्सपेंसिव है, यहाँ पे तो नहीं है। लोग सोचते हैं उल्टा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इनएक्सपेंसिव इधर पे, वही बात है। कोई भी इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग इन कोलकाता, पीजी में रहना, आई थिंक दिस इज अ प्लेस जहाँ पे रहने से सब कुछ आपके हाथ के सामने, पीछे वाला गली में सब कुछ मिल जाएगा और चीप भी है बहुत काफ़ी। आज एक मीटिंग था, वो करते करते इतना लेट हो गया, फिर मैं बात कर रहा था फ़ोन पे, वो करते करते इतना लेट हो गया कि खाना आ गया है यहाँ पे और मैंने नहाया नहीं है। अब मैं क्योंकि रोज़ नहाता हूँ ना, मेरे दिमाग में ऐसा कि नहाया नहीं यार, मतलब अंदर से मेरे को कोई बोलता है कि तू नहाया नहीं है यार, कितना सी है तू। तो मैं अभी साहस करके सोच रहा हूँ यार नहा लूँ, एंड दिस इज द फर्स्ट डे कि मैं केटल व्हाट एवर इट इज, इसका पानी गर्म करके भी यूज़ नहीं करने वाला, सीधा ठंडे पानी से नहाने वाला हूँ मैं। मतलब 2-3 बार करने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि हो जाएगा मेरे से। सो नहा लिया है, पहला 2 मग पानी डालने में फट रहा था बट उसके बाद ठीक हो गया। और लंच अभी करेंगे, बट आपसे एक चीज़ पूछना है, दैट इज़ ये जो आप मैकबुक देख रहे हो ये वाला, इसका एक प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट पता नहीं, इट्स लाइक जो एल्यूमिनियम का, तो होल बॉडी इज एल्यूमिनियम बॉडी, तो क्या होता है ना इसमें जब दाग बैठ जाता है ना इसको, इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बैठ जाते हैं, डिफिकल्ट टू रिमूव, नाखून से स्क्रैच करना पड़ता है उसके बाद वो रिमूव होता है। तो इफ एनी वन इज यूजिंग यू नो एप्पल प्रोडक्ट, मतलब लैपटॉप मैकबुक की बात कर रहा हूँ, तो वॉट प्रोटेक्शन डू यूज, मतलब हार्ट केस या फिर स्किन कुछ है तो बताओ मेरे को, बिकॉज मैं स्किन के बारे में सोच रहा हूँ, फिर सोच रहा हूँ कि यार गंदा नहीं होना चाहिए, राइट, यू नो द रेसिड्यू जो गम का रेसिड्यू होता है वो सब नहीं होना चाहिए, तो वो थोड़ा बताओ अगर आपको कुछ नॉलेज है तो। आज खाने में है चावल और मछली, तो मजे से खाएंगे। She's cute. Wanna say something? तो अभी लंच अभी हो गया है, अभी जा रहे हैं बाहर, आदत बन चुका है मेरा, आज पेट पूरा भरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी जगह है, तो मैं आज अंडा नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ मिठाई शायद खा लूँगा। बट एक चीज़ आपको बताना है, दैट इज़ वन ऑफ द अदर रीजंस जिसके लिए मैं सोचा कि यहाँ पे आऊँगा, एक तो आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस, सेकेंडली मैं अगला जो ट्रैवल नो अपकमिंग ट्रैवल्स जो प्लान कर रहा हूँ इस हिसाब से प्लान कर रहा हूँ कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, एंड वन ऑफ द वेज टू मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन और स्टे, और वो एक पीजी से ही हो सकता है। तो मैंने पहले यहाँ पे आके देख लिया कि हाउ इट फील्स टू बी इन पीजी, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था, सो आई थिंक इट विल बी रियली ईजी फॉर मी बाद में जाके।
इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली टू फाइंड अ पीजी बाहर जाके, बट मतलब यहाँ से पता करके जाना ही बेस्ट होगा, बट पता नहीं अभी प्लानिंग्स चल रहा है कहाँ जा रहे नहीं जा रहे, कोई कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बस हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ ये कर सकते वो कर सकते, टोटली सब कुछ डिपेंड करेगा कि लॉकडाउन का सिनेरियो क्या रहता है कोलकाता में, उस हिसाब से हम लोग प्लान कर पाएंगे। ऑल्सो इन दैट स्टेट क्या है, दोनों मैच होगा देन ओनली वी कैन एक्चुअली डिसाइड फाइनली। अरे दोपहर में ये पूरा खाली हो जाता है यार, भात घूम इसको भात घूम कहते हैं, मतलब चावल खाने के बाद लोग यहाँ पे सो जाते हैं, इसको धंधा वंदा पैसा नहीं कमाना है किसी को, नींद चाहिए बहुत ज़रूरी, ये एक चीज़ मैंने देखा है जो सिर्फ कोलकाता मतलब ज़्यादा एग्जैक्टली देखा है कोलकाता में होते हुए, बाहर जब मैं गया हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि दोपहर को बंद हो जाता है। एविडेंस भैया ये वाला था, इज हैविंग लॉर्ड चमचम, लॉर्ड आई एम हैविंग खट्टा दही, पता नहीं इस नंबर पे लॉर्ड हैविंग चमचम चमचम देवता दिस मिष्टी की दुकान बोल रहा था तो मिठाई की दुकान आते आते राजा से बात हो रहा था, ऑफ कैमरा राजा बोला था कि देखना ये वाला दुकान पे भैया अभी सो रहे होंगे, यार मैं बोला था ऐसा थोड़ी होता है दुकान खोल के कोई कैसे सो सकता है, नहीं मैं आया और आपने एक्चुअली देखा वो सीन, क्या बताओ यार। और इसको ये दही खा रहा था और खाते खाते मतलब पेमेंट मैंने कर दिया था, उसके बाद वो सो गया, इसको एक और चीज़ लेना था फिर उठाया फिर उठाया इसको, कोई नहीं धंधे में ही सोएगा भाई सोएगा, मतलब उसके सामने अगर दो तीन बार बुलाने के बाद उठाया ना वो, अगर कोई आता है दो तीन मिठाई लेके चला जा सकता है तभी जाऊंगा हाँ पीजी मतलब घर, वहाँ जाके एडिटिंग आज सुबह से हुआ नहीं है वो करूंगा, उसके बाद शाम को निकलेंगे, जलेबी खाना है मेरे को, यहाँ का जलेबी मेरे को मस्त लगा है, जलेबी कल आगे भी कुछ खा लेना जो भी है बट जलेबी मस्त है, लेकिन आज जब वो निकालेगा जलेबी तब पहुँचेंगे वहाँ पर, ठीक है गरम गरम मिल जाएगा एकदम। आज काम 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 करके बहुत टाइम निकल गया, कुछ बाहर नहीं जा पाया, सीधा इधर ही बैठा था, मीटिंग 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 काम, बट मूड आज बहुत सही हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव फॉर डिनर डिनर मतलब बहुत अच्छा लग रहा देख के, महक भी आ रहा है यार काफी अच्छा खासा।